सो हे गाइस दिस इज और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड तो क्या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्या आप ट्वेल्थ क्लास पी या पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसा अपडेट दूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आप ही के लिए फायदेमंद भी है तो आपको मुझे बताने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इसी चैनल पे 2009 से 2020 तक के जितने ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं उसका तैयारी हम इस चैनल पे कराने वाले हैं तो अगर आपको खुशी हुई तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है दूसरी बात अगर इस चैनल पे ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन मैं दूंगा ओ 20 अक्टूबर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा मेरा टाइम है सुबह आठ बजे आपको वीडियो अपलोड करके दे देना सुबह आठ बजे डेली अगर आप अपना मोबाइल चेक करते हैं और यूट्यूब चेक करते हैं तो आपको वीडियो मिला हुआ रहेगा मतलब आप वीडियो पा जाएंगे ये लगभग 12 साल के क्वेश्चन हैं मतलब क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक में लगभग 12 साल 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बीस ये लगभग 12 साल के क्वेश्चन पेपर हैं और ये 20 अक्टूबर 2020 से आपको सुबह 8 बजे मिलना शुरू हो जाएगा ये एक पेपर जैसे 2009 का क्वेश्चन पेपर अगर हम बात करें तो 2009 का 20 अक्टूबर 2020 को मिलेगा दूसरा यानी 2010 का पांच दिनों के अंतराल पर मिलेगा मतलब पहला क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको दो बीस अक्टूबर को मिलेगा दूसरा पच्चीस को तीसरा तीस को इसके बाद नवंबर में पांच तारीख को चौथा दस तारीख को पांचवा पंद्रह को छठा बीस को सातवा फिर पच्चीस को आठवां फिर तीस को नौवा और उसके बाद फिर पांच दिसंबर को पांच दिसंबर को दसवां क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिलेगा और फिर उसके बाद दस दिसंबर और फिर पंद्रह दिसंबर को 2020 तक का आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो ये लगभग दो महीने का स्ट्रेटजी है जिसको हमने तैयार किया है पहले तो हमने अपने बच्चों से इंडिविजुअली ऐसे बोला था कि रेगुलर में वीडियो आपको दे दूंगा लेकिन रेगुलर में काफी ज्यादा आपको ही बर्डन फील होगा क्योंकि अगर रेगुलर वीडियो आता है तो आपसे तैयारी हो नहीं पाएगा और वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक में लगभग जितने क्वेश्चन होंगे पूरे सब एन सब पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ होता है हर चैप्टर से क्वेश्चन मौजूद होते हैं तो आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम होगी एक विशेष बात यह है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन को रटने की कोशिश नहीं करिएगा नहीं तो फिर आप अगर भूलते हैं तो फिर आपके एक नंबर एग्ज़ाम के लिए और मार्कशीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक नंबर कम हो जाता है तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होता और अगर एक नंबर कम होता है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि मेरा एक नंबर कम हो गया तो फिर से मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला वीडियो 20 अक्टूबर को फिर उसके बाद पाँच दिनों के अंतराल पर मतलब 25, 30, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20 को ऐसे ही आपको वीडियो मिलेगा ये दो महीने का स्ट्रेटजी है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल सके वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए का लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बताइए कि इस चैनल पे 2009 से 2020 तक के जितने एम क्यू हैं जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं केवल और केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग